नमस्कार जी बिजनेस के सभी दर्शकों को धनतेरस दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार हो और पटाखों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, थोड़ा हजम नहीं होता। तो बाजार में कौन सा शेयर है कितना दमदार, किन पटाखों से मिलते हैं किस शेयर के स्वभाव और इन पटाखा शेयरों में आपको क्या करना है, बस आपको रिलैक्स करना है और हमारा ये शो देखना है, क्योंकि जी बिजनेस की रिसर्च टीम एक खास रिसर्च आपके लिए लेकर आई है। तो पेश है हमारी खास पेशकश पटाखा शेयर। चलिए तो सबसे आपका परिचय करा देते हैं हमारे इस खास शो में। मेरी पूरी रिसर्च टीम, मेरे रिसर्च के सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं, कुशल, नुपुर, आशीष और अरमान मेरे साथ हैं यहाँ पर। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं और साथ ही पटाखा शेयरों में आपको क्या करना है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कितना मुनाफा होगा, सब बताने के लिए हमारे साथ आप सभी के फेवरेट आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और ट्रेड्स फिफ्थ ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब भी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, संदीप जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। चलिए विदाउट फर्दर अडू फटाफट शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश पटाखा शेयर। तो कुशल, आपसे ही करेंगे शुरुआत, बताइए कैसा धमाका आप करने वाले हैं। धमाका रॉकेट के साथ ही होने वाला है नेहा, और अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है। इसके लिए एक डेफिनेटली बहुत ही बेहतरीन लाइन है, उड़ के जाएगा और पानी में रहकर आसमान में आतिशबाजी की है इसने। अच्छा, तो ये इस तरह का स्टॉक है, इतना बेहतरीन ऑल टाइम हाई बनाया है इसने, डेफिनेटली काफी ज्यादा बढ़िया स्टॉक है मझगांव डॉक। यहाँ पर आपको नजर रखनी है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने समुन्द्र में भारत की जो ताकत बढ़ रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो है मझगांव डॉक का। इनफैक्ट यहाँ पर जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, वो उसका सबसे बड़ा दिग्गज खिलाड़ी यही स्टॉक है। और यहाँ पर आप देखिए ऑलमोस्ट 800 वेसल्स, 26 वॉरशिप्स और 6 सबमरीन्स इन्होंने बना लिए हैं, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा इनका कारोबार है इस वाले स्पेस में। और साथ ही आप देखिए यहाँ पर कंपनी लगभग कर्ज मुक्त है, लगातार जब से लिस्ट हुई है इसने तेजी बनाई है, ऑल टाइम हाई टच किया है और 38% का आकर्षक डिविडेंड पे आउट भी ये देती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक अपने रेडार पर रखना चाहिए। ओके, मझगांव डॉक पहला पटाखा शेयर। जैन साहब, आपसे करेंगे शुरुआत, बताइए, कुशल ने तो बता दिया किन कारणों से इसमें आएगी स्ट्रेंथ, आपका क्या मानना है, क्या सलाह होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन फॉर द शो, और गजब का थीम है और गजब के पटाखे सारे जो बचपन में बहुत छोड़े हुए हैं और उनको आज लेके जब कर रहे हैं, तो देखिए पटाखा तो है ये मझगांव डॉक तो गजब का पटाखा। एंड अगेन हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड सारे हमारे व्यूअर्स को। और पटाखा शेयर देखिए एकदम परफेक्ट रॉकेट है ये, और पिछले देखिए बनाती भी कुछ वैसे ही वो चीजें हैं, और 3.5 टाइम से ज्यादा ये ऊपर गया ये स्टॉक। और देखिए गजब की डेट फ्री पीएसयू कंपनी है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न नंबर्स, ग्रोथ नंबर्स गजब के, अट्रैक्टिव डिविडेंड डील भी देखिए 1.5% के लगभग, और एक ऑलमोस्ट जीरो डेट कंपनी, ऐसे वैल्यूएशन पे सिर्फ पीएसयू है बोल के मिल रही है। अगर यही कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती तो बहुत ही गजब का होता। और सरकार भी देखिए 8 लाख करोड़ नेक्स्ट 8 ईयर्स में डिफेंस के ऊपर खर्चा करने वाली है, और मेक इन इंडिया पे जो फोकस है सर्टेनली ये स्टॉक गजब करेगा। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रखिए, क्योंकि कई बार मार्केट्स खराब होते हैं तो नीचे आते हैं स्टॉक्स, और वहां पे लेने की पूरी कोशिश करें, और बाकी अभी भी अगर जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें तो 690-730 के टारगेट के लिए। राकेश जी, सर फंडामेंटली तो समझा दिया हमें जैन साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कि क्यों ये हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, क्या चार्ट्स भी ऐसी कहानी बयां कर रहे हैं? बिल्कुल नया, लेकिन उससे पहले आपको सारे जी बिजनेस के व्यूअर्स को और जो आपके रिसर्च के चार इक्के बैठे हुए हैं उनको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और नेहा, मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर बहुत ही कंजर्वेटिव होके मैं देखूं इसको, बहुत ही कंजर्वेटिव होके मझगांव डॉक को देखूं, तो भी ये 990 के टारगेट्स एक साल में दिखाने का दमखम रखता है, 550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। फंडामेंटली तो देखिए जैसे अभी बोला कि जहाज बनाता है, जंगी जहाज है, पनडुब्बी है, तो ये चीजें हवा में तो बनती नहीं है, तो ये पूरा अगर सेटअप करना हो तो इसकी अगर आप कॉस्टिंग देखें तो ये कंपनी जो है मतलब की लेस देन हाफ द वैल्यूएशन ऑफ इट्स पीयर्स। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखें जो दूसरे देश हैं उनमें सेम कंपनीज किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही हैं, यही रीजन है कि इसमें एक तेजी से भाग है और ये भाग अभी भी रहेगी, हल्की फुल्की करेक्शन है, तो खरीदे बहुत ही कंजर्वेटिव होकर देखें तो 990 के लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे, तो आंखें बंद करके इस पर खरीदारी की राय है इस रॉकेट के ऊपर।
ओके, आंखें बंद करके पटाखा नहीं फोड़े, लेकिन आंखें बंद करके आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बना लें, क्लियर कट रिकमेंडेशन। चलिए नुपुर, आपकी बारी, अब बताइए आपका जो स्टॉक है कोई धमाका करेगा, सिर्फ धुआं धुआं है? एक्चुअली मेरा जो स्टॉक है ना, वो सबका पसंदीदा स्टॉक है, क्योंकि जो फटाके से वो जुड़ता है ना, चाहे वो बच्चा हो या सीख रहा हो फटाके जलाना, तो वो स्टार्टिंग ही उससे करता है। अच्छा? या ओल्ड एज वाले अगर आपके पेरेंट्स है तो वो भी वही पसंद करेंगे, तो आप गेस कर ही सकते हो कौन से फटाके की बात कर रही हो। फुल जेड या उसका प्रोडक्ट, और जो स्टॉक है उसका प्रोडक्ट भी मिलता जुलता ही है, ऐसे स्टिक जैसा ऐसे चला के। अच्छा, समझ तो गए होंगे। ITC पसंदीदा स्टॉक है सबका। सेगमेंट्स की बात करें तो एवरग्रीन सिगरेट का बिजनेस है कंपनी का, कैश बिजनेस का कैश फ्लो देखें तो काफ़ी बढ़िया है, 13,000 करोड़ का बैलेंस है कंपनी में, 200 प्लस के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, 113 होटल है, होटल में भी काफ़ी अच्छी पकड़ है, FMCG हो तो वहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पकड़ है कंपनी की। कंसिस्टेंसी इस स्टॉक में देखिए, अगर इसके रेवेन्यूज़ की बात करें तो पिछले 10 साल में 8-10% की कंपाउंडेड ग्रोथ है, मार्जिन्स मेंटेन रखती है कंपनी, होटल बिजनेस भी काफ़ी बढ़िया, और FMCG में भी अब पूरा का पूरा फोकस है कंपनी का। वैल्यूएशंस देखें तो दूसरे FMCG प्लेयर से काफ़ी डिस्काउंट पर है, नॉर्मली 50+ के वैल्यूएशंस देखते हैं ये स्टॉक 20-22 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, और जो डिविडेंड देती है कंपनी वो तो ज़बरदस्त है। ओके, ITC वाइडली रिकमेंडेड जी बिजनेस पर भी रहा है, कई बार दर्शकों को ये सुझाया गया है। जैन साहब, आपकी क्या सलाह होगी? हमारे चैनल ने, हमारे पैनल ने, और हमारे पैनल में सभी ने, राकेश जी ने, मैंने, सब ने ITC को बहुत जोर शोर से रिकमेंड किया, और देखिए फुलझड़ी जितना कॉमन है वैसा ही ये स्टॉक भी कॉमन है और लाजमी है, और 200 रुपए से देखिए आप 350 के लेवल्स क्रॉस कर गया, और अभी भी बहुत दमखम बाकी है, मुझे लगता है कि ये 450 के लेवल्स भी आने वाले सालों में दिखाएगा, बट जिस तरीके के रिजल्ट्स आए कल, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स और अच्छे रिटर्न नंबर्स भी थे, 3% से ज्यादा मार्जिन्स बढ़ी है, और मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन के दौरान जो इनको इम्पैक्ट पड़ा था और अब ओपन अप पे गजब का माहौल बना हुआ है, और डीमर्जर की भी एक बढ़िया स्टोरी है, तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल लें, सदाबहार पटाखा, सदाबहार स्टॉक, और बाय कीजिए, और 390-410 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए, सदाबहार स्टॉक है और ITC तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आशीष अबाती, आपकी बारी, कौन सा पटाखा, या रादर कौन सा पटाखा स्टॉक है आपके पास? देखिए पटाखा बताता हूँ, सबसे पहले सबसे धमाकेदार है सूतली बॉम्ब, यहाँ पे महाराष्ट्र में उसे रस्सी बॉम्ब भी कहते हैं, मुझे नहीं लगता है नेहा कि इससे ज्यादा कोई तेज आवाज करने वाला बॉम्ब होगा, आपको लगता है कोई है? नहीं, दूसरा विकल्प ही नहीं है, बहुत तो मार्केट लीडर कौन सा आएगा? नहीं, लेकिन ये उनमें से एक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है मेरे पास, क्योंकि मार्केट लीडर है भारत में, अगर आप देखें तो जो डिपॉजिट्स हैं लोन में 25% का मार्केट शेयर रखते हैं, NIMs में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, एसेट क्वालिटी तो देखिए वन ऑफ अ काइंड है, और यहाँ पर भी आपको बढ़िया ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स फ्लेवर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सूतली बॉम्ब है मेरे पास। सुतली बम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले चार्ट चेक ले लेते हैं, बताइए राकेश जी आपको चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? नेहा, चार्ट्स पे काफी स्ट्रांग है, डबलर लगता है मुझे तो, अगर ट्रेडिंग मतलब कि अगर यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस की बात करें तो 500 का स्टॉप लॉस लगाए हैं, 900 का टारगेट है, इंटायर PSU स्पेस नेहा काफी अच्छा लग रहा है, और मेरा मानना है कि अब इलेक्शन का समय आने वाला है तो क्रेडिट ऑफटेक यहाँ काफी बढ़ेगा, सारे PSU बैंक में री रेटिंग देखने को मिलेगी, काफी छोटे मझोले स्टॉक भी डबल होंगे, बट सबसे सेफ और बेस्ट बेट तो यहाँ पर है, मतलब कि PSU में छोटे मझोलों में जा रहे हो तो तभी जाना चाहिए जब क्या कहते हैं आपके पास दिग्गज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, तो इसको खरीदने की राय, इसको खरीदने की राय है फॉर अ टारगेट ऑफ 900 रुपीज, मिस नहीं करना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। नुपुर, आशीष के बम ने अच्छी खासी टक्कर दे दी है, तो आई होप आपका नेक्स्ट वाला जो स्टॉक होगा वो इससे ज्यादा धमाकेदार होगा। चलिए अब अरमान की बारी आती है, अरमान बताइए आपके क्रैकर बॉक्स से कौन सा पटाखा निकलने वाला है? जी देखिए मेरे पास है ना स्नैक क्रैकर है, स्नैक क्रैकर की एक स्पेशलिटी ये होती है कि वो है ना एक तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, सब ग्रुप में करते हैं ताकि ग्रुप में बैठ के करते हैं, एकदम बढ़ता है, उसकी स्पेशलिटी रहती है कि एकदम जैसे ही लगाओ एकदम आगे बढ़ता है और फिर एकदम ऐसे नीचे आ जाता है। अच्छा। और फिर वहीं पर ही स्टेग्नेंट रहता है, तो ऐसे ही स्टॉक है और वो है मुझे डर लग रहा है ये पूछ के अगर स्टेग्नेंट रहता है तो और वो स्टॉक का नाम आप सुनेंगे तो समझ पड़ जाएगा, पेटीएम।
देश का सबसे बड़ा आईपीओ, काफी जनों को बहुत इंटरेस्ट था देश का सबसे बड़ा आईपीओ, और लिस्टिंग के बाद अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो वहां पे 76% की गिरावट आती हुई दिखी। उसी के साथ साथ लगातार गिरावट के साथ तो निवेशकों की चिंताएं तो लगातार जारी है ही सही उसी में, और अगर उसमें देखेंगे तो रेगुलेटरी जो दिक्कतें हैं वो भी उसमें लगातार रही हैं, कुछ हमेशा न्यूज आती रही है कुछ ना कुछ। हालांकि अगर आप देखेंगे कि कंपनी के ब्रांड बिल्डिंग या फिर बिजनेस मॉडल पर ब्रोकरेजेस की अगर आप देखेंगे तो उनका भरोसा अभी भी जाहिर है। ओके, चलिए तो अरमान पेटीएम पर अपनी रिसर्च लेकर आए हैं। जैन साहब, आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि डेफिनेटली इस स्टॉक ने बहुत छकाया है और बहुत सस्पेंस में रखा है, तो आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये स्टॉक तो बहुत, अरमान ने जबरदस्त लॉजिक दिया, और सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया का और सबसे खतरनाक, मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि खराब परफॉर्मेंस था आईपीओ के लिस्टिंग के बाद, और अभी भी काफी खराब परफॉर्मेंस है और बहुत ही अच्छा कंपैरिजन भी है, तो मैं यही बोलूंगा कि एग्जिट ऑन बाउंस की राय दूंगा। वैसे तो मेरा अवॉइड ही रहा है, अनिल जी ने भी अवॉइड दिया था, मैंने भी अवॉइड दिया, और बाकी सारे पैनलिस्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं रहते हैं इसके ऊपर। तो एक लॉस मेकिंग न्यू एज कंपनी, फंडामेंटल्स तो गजब के, स्टार्टअप है तो वैसे ही है, तो इन स्टॉक्स को देखिए, वैसे भी एक छोटा पोर्शन बना लीजिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्टअप पोर्टफोलियो, और उसमें से एक स्टॉक ये हो सकता है। बट ओवरऑल आई फील कि जिनके पास है, अब वो तो देखिए आईपीओ वाले तो नहीं बेचेंगे, बट जिन्होंने नया लिया नीचे के लेवल पे बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की है, 690-730 पे एग्जिट ऑन बाउंस की राय दूंगा। एग्जिट ऑन बाउंस की रिकमेंडेशन है, 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम जरूर ध्यान में रखिएगा। राकेश जी, आपसे भी एक क्विक चेक इस पे लेना चाहेंगे। देखिए नेक चीज बोलूंगा, बड़ा अच्छा नाम रखा है स्नेक वाला, जो पटाखा होता है बच्चे एक्साइटेड होते हैं, बट नया देखें अगर बच्चों के आसपास कोई बुजुर्ग बैठा हो तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है जब ये स्नेक जलाते हैं, तो वो इरिटेट होता है, तो ऐसे स्नेक को तो ना लठ मार के तोड़ना चाहिए, बेचे यहीं पर निकल जाना चाहिए। 750 रुपए का स्टॉप लॉस है, 540 की तरफ जा रहा है, किसी तरीके की बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, लीस्ट पुल बैक देखने को मिला है, मेरा ऐसा मानना है डेड कैट बाउंस भी खत्म है और ये 540 की तरफ जा रहा है, तो इसको बेचे और निकले इसमें से। ओके, बेचे और निकलने की रिकमेंडेशन हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आ रही है। ओके कुशल, बैक टू यू, अब बताइए मजगांव डॉक के बाद आप कौन से पटाखे आप छोड़ रहे हैं? देखिए सिमिलर सा स्टॉक है पेटीएम पे, तो अरमान ने ऑलरेडी कहा, अब दूसरा जो नेक्स्ट पटाखा है वो है अनार का, तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा जब स्टार्ट होता है तो फुल ऑन ग्लोरी के साथ स्टार्ट होता है, फिर धीरे 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 धीरे, तो अभी एग्जैक्टली तो अभी स्टेज पे आप देखते हैं कि इसके बाद या तो और फर्दर नया रूप में ये ग्लो करेगा या फिर खत्म हो जाएगा, अब देखना पड़ेगा। तो यह है जोमैटो का स्टॉक। अब जोमैटो बहुत ही चर्चा में रहा था, लगातार इस पर न्यूज फ्लो आता हुआ दिख ही रहा है, और यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब जुलाई 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी तो 50% से ज्यादा प्रीमियम इसके इश्यू प्राइस के मुकाबले ये लिस्ट होता हुआ दिखा था, तो काफी शानदार तेजी के साथ इसने शुरुआत की थी, पर उसके बाद आप देखिए जुलाई 2022 यानी कि ठीक एक साल बाद यहां पर इसने 40.6 का निचला स्तर भी छुआ, तो अपने आप में जिस तरह की तेजी इसमें बनी थी अब वो तेजी ढलती हुई नजर आ रही है, बट पिछले 3 महीनों में भी काफी वॉलेटाइल रहा है, अभी 60-62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और देश की दिग्गज फूड सर्विस प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली जिस तरह का इनका यूनिक बिजनेस मॉडल है वो तो है ही, बट साथ ही आप प्राइस परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और ब्लिंकिट का जो अधिग्रहण किया था, इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी 60-65 के आसपास ही स्टैग्नेंट ही है। तो अनार की तरह की तो बहुत ही मैग्निफिशेंट शुरुआत, लेकिन अब कुछ डावाडोल स्थिति लग रही है। जैन साहब क्या कहेंगे आप, जोमैटो क्या किया जाए? अगेन इस पे भी मेरी राय यही थी जब आईपीओ आया था, तो नहीं लगाना है, सब्सक्राइब नहीं करना है। देखिए अगेन ये पेटीएम जैसा ही कुछ कमेंट्स रहेंगे मेरे, और एग्जिट ऑन बाउंस की ही राय इसमें भी रहेगी, 65-70 का लेवल आता तो वहां पे एग्जिट कर जाए, बाकी बहुत सही कंपैरिजन है और शुरुआत में बहुत सुंदर लगता है। बट यस, एक जो चीज पॉजिटिव दिखती है वो है कि सेल्स की ग्रोथ बहुत बढ़िया है, कुछ नंबर्स बहुत जबरदस्त है, जो पैटर्न जो पैरामीटर्स देखे जाते हैं स्टार्टअप्स में, तो उन सब के लिए ठीक है, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से एग्जिट ऑन बाउंस है ये भी, और 65-70 के लेवल। राकेश जी आपकी क्या वर्ड ऑफ एडवाइस होगी? मेरा ऐसा मानना है जोमैटो नेहा किसी के पास है तो होल्ड करे, 55 रुपए का स्टॉप लॉस, 74 रुपीज का टारगेट। जैसा भी क्वेश्चन ने बोला कि बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है, और नेहा मैंने एक चीज देखी है कि जब हम जोमैटो के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो हमें 10 रुपए की चीज महंगी मिलती है और इसको 10 रुपए की चीज सस्ती मिलती है, इसके लिए रेस्टोरेंट वालों के अलग मेन्यू कार्ड है। पहले तो मैंने सिर्फ मैकडोनल्ड्स में एक्सपीरियंस करा था, मैंने डीप रिसर्च करी है, इसके लिए रेस्टोरेंट्स के लिए अलग मेन्यू कार्ड है, इसको सस्ता मिलता है महंगा बेचता है,
और दूसरा नया अगर आप देखें तो एंग्री यंग मैन का जो जमाना था त्रिशूल दीवार वाला, तब सबको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी इंडस्ट्रीज के अंदर, आज एम्प्लॉयमेंट मिलती है जोमेटो स्विगी अमेजोन में। तो जिन स्तरों पर चल रहा है वहां से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो करेक्शन पे खरीदे। 55 रुपए का स्टॉप लॉस है, 74 रुपए का टारगेट है, गोइंग एट अमेजोन टाइप कोई कंपनी भी इसके अंदर मुझे लगता है स्टेक लेगी, तो गिरावट में खरीदारी की राय होगी। गिरावट पे खरीद की रिकमेंडेशन राकेश जी की तरफ से। नुपुर अब आपकी बारी आती है, तो जो आपने क्लेम किया था ना थोड़ी देर पहले, अब जरा उसे प्रूव करिए कि आपका जो बम है वो आशीष के बम से धमाकेदार कैसे। अगर बम का नाम ही किंग ऑफ किंग हो तो फिर किंग ऑफ किंग्स। यस, क्या करता है ये? जो सबसे ज्यादा साउंड वाला जो बम होता है ना उसे किंग ऑफ किंग कहते हैं। साउथ में बनता है, साउथ में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो शायद इसलिए हम कम समझ पा रहे हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट साउंड इसी बम से आती है। तो ऐसा ही कुछ स्टॉक है मेरे पास भी, एशियन पेंट। अगर हर घर कुछ कहेगा तो साउंड तो सबसे ज्यादा ही होगी। और भारत की नंबर वन कंपनी अगर पेंट इंडस्ट्री की बात करें तो मार्केट लीडर है एशिया में। इनफैक्ट नोवी सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया भर में कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। और कितने भी नए पेंट इंडस्ट्री में प्लेयर्स आ जाए, कितनी भी बड़ी ये इंडस्ट्री हो जाए, ये लीडरशिप पोजिशन छोड़ने में कभी पीछे नहीं रहने वाले। अगर डिविडेंड परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 59-60% के आसपास रहता है। परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया होती है, कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जिस हिसाब से रियल एस्टेट और इंफ्रा में रिवाइवल देख रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री को तो बेनिफिट आना पक्का है। ओके, पेंट इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट साफ तौर पे आगे दिखाई भी दे रहा है। बंसल जी, चार्ट चेक आपसे ही चाहेंगे, जरा बताइए आपकी क्या सलाह होगी दर्शकों के लिए एशियन पेंट्स। मेरा नया खरीदारी की राय है 3000 के नीचे का स्टॉप लॉस, 3689 का टारगेट। एक चीज बोलूंगा, जो किंग कॉन्ग बम रखा है ना वो एकदम परफेक्ट रखा है। अगर हम देखें तो बचपन में इसी बम के ऊपर एशियन पेंट के डब्बे मटके रख के उड़ाए हैं, तो ये बम ना सिर्फ दूर वाले को वैसे ही उड़ा देता है, पेंट के डब्बे भी ऊपर में अच्छे से उड़ाता है, तो एकदम परफेक्ट नाम रखा है। और ये एकदम डिफेंसिव बेट है, जिन स्तरों पर चल रहा है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, तो खरीदारी की राय है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3000, टारगेट 3689। ओके, तो बंसल सर क्लियरली समझ गए हैं और उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ एशियन पेंट्स और किंग ऑफ किंग्स को लेके रेकमेंडेशन भी दे रहे हैं। चलिए आशीष, अब आपकी बारी आती है, कुछ बचा है क्रैकर? देखिए, क्रैकर्स तो सारे फूट गए, बम की बात हो गई है, अब बची है चक्री हमारे पास तो, हाँ, जो गोल घूमते हैं। वैसे एक स्टॉक है वेदांता, देखिए उतार चढ़ाव काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और थोड़े दिन पहले सेमीकंडक्टर की खबरें आई थी कि कंपनी उत्पादन इसका कर रही है, पैरेंट कंपनी करेगी, कि वेदांता लिस्टेड कंपनी करेगी। इससे अगर आप देखें तो निवेशकों का जो सर है पूरी तरीके से चकरा गया, लेकिन कंपनी के अंदर है वैल्यू क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में हिस्सा, और मार्केट कैप के लिहाज से भी देखिए 15,500 करोड़ की नकदी बहुत बढ़िया है, मार्केट कैप टू सेल्स अच्छा है, 5 के PE पर आपको मिल रहा है, तो स्टॉक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे लेकिन शायद रिटर्न बन जाएंगे आप। ओके, वेदांता वाइडली डिस्कस्ड है और कई बार हमारे चैनल और पैनल के बीच में इस पर अक्सर डिस्कशन भी होता हुआ रहा है। जैन साहब, आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल, आशीष ने बहुत अच्छे से बोला कि उतार चढ़ाव चलते रहेंगे फिर भी रिटर्न मिल जाएंगे, वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, डिविडेंड यील्ड तो बहुत बेहतरीन है ही है। तो देखिए, बट फिर भी मैं ज्यादा इस स्टॉक को रेकमेंड नहीं करता, बट एक भाव पे आता है तो कर देते हैं। मेटल्स कोई बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं लग रहे, बट हिंदुस्तान जिंक समहाउ इसका एक बहुत बड़ा वो है, बाकी सारे कमोडिटीज में इसका प्रेजेंस है। तो मतलब मैं यही कहूंगा कि बाय किया जा सकता है, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करें, बाकी ओवरऑल 330-350 ये लेवल्स आते हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो यही लेवल है जहाँ पे मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट बुक भी जरूर से करें। ओके, अब आती है अरमान की बारी। अरमान, अब आप ही का आखिरी क्रैकर रह गया है, तो जरा उसको भी फोड़ दीजिए। जी, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई सा भी क्रैकर हो, भले आप चक्री की बात ले लीजिए, अनार ले लीजिए, सुलियम ले लीजिए, वो क्या होता है कि एक बार फूट गया तो क्या ऐसे बहुत बार हम घरों के अंदर होता है कि लगा देते हैं बम, तो जैसे फूटता है फिर ट्रैफिक वापस चालू हो जाता है, चलो अब निकलते हैं। पर ये एक ऐसा स्टॉक है, एक बार अगर आप ये मतलब ऐसा है कि आप तो अगर घुस गए तो चलेंगे, या नहीं चलेगा तो आप खड़े रह सकते हो, पूरा खत्म होएगा तभी आप निकलोगे। और वो है स्टॉक अडानी ग्रुप। ये स्टॉक नहीं है, पूरा ग्रुप है। ये एक बार जो चलना चालू होता है तो लगातार अपने साथ सबको लेकर एक के पीछे एक के पीछे, बिल्कुल
ये एक के पीछे लेके सबको लेके चलता है। उसी के अगर आप देखेंगे तो अगर आप 23 मार्च से 26 अप्रैल की बात करेंगे तो एक बार जब पूरा ग्रुप चलना चालू हुआ तो अडानी पावर 102%, अडानी ग्रीन 54%, ऐसे लगातार कर करके सब 30-40% लगातार एक एक पीछे चलते रहे। बढ़ने के तो है ही सही, अगर घिरने की भी बात करें तो 22 सितंबर से अगर आप 10 अक्टूबर तक देखेंगे जब घिरना चालू हुए तो सब एक के पीछे घिरते चले गए। तो जब तक अगर पूरी रुकती नहीं है, थमती नहीं है, तब तक ऐसा का ऐसा ही रहता है। इसके साथ खबरें तो आती रहती हैं जिसमें आपने खबर देखी क्या ICICI अंबुजा का लिए करा उन्होंने, या फिर भारी कर्ज की जो बात चल रही है वो तो है ही सही इसके साथ। ओके, तो अडानी ग्रुप, बंसल जी आपकी रिकमेंडेशन? नेहा, रिकमेंडेशन है अडानी ग्रुप में देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस में तो खरीदारी की राय है, और अरमान ने जो नाम दिया लड़ी भी बिल्कुल एकदम सही नाम दिया है, और लड़ी की तरह ही ये चलता जा रहा है। और अडानी इंटरप्राइजेस में एक ही चीज बोलूंगा नेहा कि ना इसको ना तो पीई पे नापो ना किसी चीज पे नापो, क्योंकि देखिए ये तो एक इंक्यूबेशन कंपनी है, इसमें से कंपनियां निकलती रहती हैं। पहले अडानी ग्रीन निकला, अडानी गैस निकला, कितनी कंपनियां निकली, और जब अडानी ये जो एयरपोर्ट वाला बिजनेस भी एकदम ठीक हो जाएगा इसको भी अलग करेंगे तो गिरावट में खरीदें, बाय एंड होल्ड करें, तो कंपाउंडिंग की स्टोरी चल रहा है। बट नया मेरा एक सवाल है आपसे और आपके जो चार हुक्म के चार इक्के हैं रिसर्च वाले कि देखिए जो किंग ऑफ किंग बम होता है ना उसके अंदर तो जगह होती है, जब बम जलाते हैं तो हम टाइमर लगा लेते हैं, मतलब कि टाइमर लगा के आराम से आग लगा के दूर चले जाते हैं। अब ये अडानी जैसी अगर बड़ी लड़ी जलानी हो तो इसमें टाइमर की सुविधा नहीं होती है, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ आप लोग करें कि जो लड़ी जला रहे हो उनको मतलब कि आग लगाने के बाद दूर जाने का समय मिले, इसमें जगह ही नहीं होती है, एकदम फटाफट जल जाती है, भागना पड़ता है। बंसल जी ये स्टॉक के लिए रिकमेंडेशन है कि पटाखे की इंडस्ट्री के लिए रिकमेंडेशन है? नहीं, ये तो मेरी आप लोगों से है कि ऐसा क्यों भेदभाव क्यों है, किंग ऑफ किंग बम में तो भरपूर आपको 5 मिनट का समय भी मिल जाता है टाइमर लगा के दूर जाने के लिए, लड़ी में तो आग लगा के आप 100 मीटर की स्प्रिंट भी भागे मारे ना तो भी दूर नहीं जा पाते, इतनी तेजी से जलती है। सर एक काम करेंगे हम अगली बार ना इसी पे एक एनालिसिस करते हैं, पोस्ट दिवाली इसी पे एनालिसिस करते हैं और फिर आपके साथ एक शो प्लान किया जा सकता है गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा एनीवेज हमारी टीम ने तो काफ़ी सारे पटाखे काफ़ी सारे स्टॉक्स यहाँ रखे हैं। जैन साहब क्विकली मैं आपकी पसंद जानना चाहूंगी इस दिवाली। ओके, एक अलग से स्टॉक बताना मुझे स्टॉक जी। ओके, तो वो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट स्टॉक्स में काफी माहौल बना हुआ है और जब से अडानी की एंट्री हुई है और इसमें काफी कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है, तो एक स्टॉक मुझे लगता है कि डेक्कन सीमेंट्स है जो कि वैल्यूएशंस के लिहाज से भी काफी सस्ता है, पी मल्टीपल्स पे देखिए और ओवरऑल मतलब देखा जाए तो चला हुआ भी नहीं है, डाउनसाइड रिस्क कम है, तो एक डेक्कन सीमेंट को देखा जा सकता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। जैन साहब और बंसल जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड ऑफकोर्स कुशल नुपुर, आशीष नरमान, आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिसर्च। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही, हम सबको दीजिए इजाजत।